अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त मैं हूं जनपद शामली में। उत्तर प्रदेश का एक इलाका है शामली और उसका एक कस्बा है कैराना और कैराने का एक गांव है मोहम्मदपुर राइन एक गांव है और यहां एक भाई है हमारा जो पिछले 3-4 साल से बेड रेस्ट पे है। मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती, वो बिजली में काम करता था, प्राइवेट लाइनमैन था और गिर गया, तो ये जो निचला हिस्सा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। घर की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इलाज के लिए पैसा नहीं है और ब्याज पे पैसा उठा के रखा है। तो हमारे एक भाई हैं हमारे, ये तो इन्होंने मुझे मेरी वीडियो देखते ही इन्होंने बताया था कि मुशाहिद भाई ऐसे ऐसे एक फैमिली है जिनको आपकी ज़रूरत है। तो कल इन्होंने मुझे बताया तो आज मैं सुबह आ गया। चलिए अब चलते हैं इस घर में और इसकी स्थिति देखते हैं क्या स्थिति है। इंशाल्लाह उसके बाद जो मदद होगी हम इंशाल्लाह इस परिवार की पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया। ये इस गांव का घर है जो पुराने घर होते थे, देख सकते हैं। तो हमारा वो भाई वो अंदर है और शायद उसी के एक्सरसाइज के लिए बनाया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज के लिए बनाया था ये कि वो एक्सरसाइज करे, थोड़ी सी चले, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब चलेंगे अंदर, इंशाल्लाह जो हमसे मदद होगी हम करेंगे। ये हमारे सद्दाम भाई हैं और इनकी ये वाइफ हैं, एक बच्ची है छोटी सी इनकी। और पिछले 4 साल से, कितने साल से साहब? अब का बकरा ईद को 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे आपको बकराईद पे जी। तो यही घर है आपका, एक छोटा सा घर है, ये कमरा है आपका, इसी कमरे में अपनी अपनी जो जिंदगी गुजार दी आपने। हाँ, ये बस। और तो आपके बारे में मुझे बताया था हमारे भाई हैं, ये हमारी वीडियो देखते हैं, तो इन्होंने बताया था आपके बारे में कि आपकी स्थिति। मेरी दिल की हड्डी टूटी हुई है जी और आदेश ससुर कोई पता नहीं। अच्छा। ना उठा जाता, ना बैठा जाता, ना चला जाता, चला तो जाता ही नहीं, हरकत ही नहीं है कुछ भी पैर। तो मतलब पता नहीं चलता नीचे से क्या आप क्या हो रहा है? नहीं, पैर को पता लग जाएगा, लेकिन अपना आप खुदक जगह जैसे गुद गुद उठाए, लेकिन मुझे नहीं पता कुछ भी, ना उंगली हिलती है ऐसे। अच्छा, ये भी अगर मैं कुछ कर रहा हूँ आपको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा आपको? नहीं। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा है, मतलब क्या उम्मीद है कि आप? डॉक्टर तो यही तसल्ली दे जी के हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। अब 2.5 साल हो गए, अब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा जी। तो एक बच्ची है, बड़ी हो गई, क्या सोचे कि मेरा बाप बेचारा धुरती है। हाँ। नहीं, तो बहुत जोर पड़ेगा हमारे भी और बच्ची हो गई। ऊपर वाले ने जिस हाल में रखे बेहतर ही है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस हाल में रखे, कम से कम आप अपने बच्चों में तो हो यहाँ पे, कम से कम इनकी आंखों के सामने तो हो। ये मेरी बेचारी घरवाली है जो कि तू साथ दे रही है, अल्लाह में ऐसी घरवाली सबको दे, यानी कि बल बुत्ते पे पड़े या नहीं, लोग को तो गले सड़ गए भी मर जाता। ये पूरा पूरा शरीर आपका जला हुआ था मतलब? हाँ, ये पूरा शरीर में। तो 3 साल आपको होने को आ रहे हैं भाई, तो 3 सालों से ऐसे बिस्तर पे हो बस? हाँ जी, बस। और क्या, कभी मन करता है बाहर जाने का, रिश्तेदारी में घूमने का? मन भी बहुत कर रहा है ये, दिल भी दुखे, बता क्या करे ये। अच्छा, आप जिस लोगों से आप ब्याज पे पैसा लेते हो उनको पता है कि आपकी हालत क्या है? भाई उन्हें तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो लगता नहीं, मेरे भाई और लगा। अच्छा, ये आज स्थिति सद्दाम की ये है कि इनको ब्याज पे पैसा, इंटरेस्ट पे पैसा उठाना पड़ता है और इंटरेस्ट का पैसा फिर ये कैसे देता है मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरेस्ट का पैसा फिर ऐसे देते हैं कि जैसे कोई मुशाहिद भाई आ गया देने के लिए, कुछ गांव के लोग आ गए, किसी ने 500 दिया, किसी ने 100 दिया, मतलब इमदाद करी, तो उस पैसे को फिर ये इकट्ठा करते हैं और फिर ब्याज वाले को पहुँचाते हैं, ऐसे ही है सर? हाँ, ये ऐसे ही है। उसे कुछ खर्चा भी चलाते हैं, कुछ उसका लौटाना भी पड़ता है, भाई वो भी तगद्दा तारेगा, वो पैसे दो पैसे दो। जी जी, तुम अपने बच्चों में रहोगे ठीक है ना, और तुम ठीक भी होगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, घबराना नहीं होता कभी, मन उदास मत करो। अल्लाह जिस हाल में रखे ना उस हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो कितनी परेशानी होती है इमराना, मतलब आपके शोहर इस हाल में है अभी? जी, बहुत परेशानी हो, डेड रिंग पे साहब के भी है सुबह। घर का खर्चा कैसे चलता है? बस कोई दे दे, मोहल्ले पड़ोस वाले दे दे, कोई गांव वाले सब जी, बस इसी चल रहा है। बच्चे कुछ मांगते भी होंगे, जिद भी करते होंगे, जब खिलौने वाला आता होगा खिलौने लेने के लिए? जी, बच्चे भी मांगते, जिद भी करा है।
कोई दे दे कोई नहीं देता। ये सद्दाम की वालदा हैं और देख सकते हैं कि इनके सामने इनका जवान बेटा है और जो एक तरीके से ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। 3 साल हो गए, तो 3 साल से एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए? कितनी परेशानी है अम्मा? वहीं परेशानी तो है जी। ये बच्चा बता पढ़ाई कोई करने वाले में जक्कत है और दूसरे बेचारे उनका लम्या काम चला था, दे दें नहीं अपना। और जो भाई है सब अपने अपने घर के हैं? हाँ जी, सब अपने घर के। आप यहीं रहती हो, सद्दाम के साथ में रहती हो? जी हाँ। मैंने देखा आप वो मतलब उफले पात रहे थे, गोबर के बना रहे थे आप, तो लाई थी ठाक पड़ोस जगह था। अच्छा, उससे फिर बनाते हो, बेचते हो फिर उसे? नहीं, बालने खत्तर लाए थे। अच्छा, मतलब जो घर में गैस नहीं है? ना, इनका गैस भी नहीं है। ऐसे लोगों की मदद किया करो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। और सच में पूछा जाएगा आपसे कि मैंने आपको दौलत दी थी आपने कहाँ खर्च की, शोहरत दी थी आपने कहाँ खर्च की, और फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जखीरा है ना, इसको जोड़ लो भाई, इसको है ना, इसको ऐसा करो कि जब हम यहाँ से जाएं मरने के बाद, हम ये कह सकें कि हाँ मेरे रब, मैंने सद्दाम पे खर्च किया था, मैंने फला इंसान पे खर्च किया था। ये पैसा साथ जाने वाला नहीं है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। अभी हमसे जो मदद होगी सद्दाम, मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा तुम्हारा जो है बोझ, वो ब्याज का जो बोझ है मेरे भाई, वो कम कर दूँ। और उसके साथ साथ मैं फिर लोगों से अपील भी करूँगा इंशाल्लाह कि लोग तुम्हारी मदद करें। ये 21,000 रुपये भाई, 21,000 की छोटी सी रकम है, ये बहुत बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये सिर्फ छोटी सी रकम है 21,000 रुपये। और ये तो मैं तो अपने लिए ना ज़खीरा जोड़ रहा हूँ। अल्लाह आपको ज़्यादा दे भाई, तो परेशान ना हो, ठीक है ना? अल्लाह देखो, अल्लाह मदद भेजता है ना किसी थ्रू, किसी ना किसी के इंसान के थ्रू भेजता है ना मदद, तो परेशान ना हो, ठीक है, अल्लाह सब ठीक करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जितनी मदद हुई हमने इस परिवार की मदद की। और अगर आप चाहते हैं इस परिवार की मदद करना तो मदद कीजिए इस परिवार की, इसको बहुत ज़रूरत है। एक छोटी सी बच्ची है इसकी जो अभी छोटी सी है, हो सकता है 3-4 साल की हो, और आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है ऐसे ही। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सद्दाम ठीक होगा या नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम पैसे के इलाज के लिए ये दर दर ना भटके। हमसे जो मदद हुई अभी हमने की, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूँ ही मदद कीजिए। और थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।